नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया पोटैटो हिंदी। मैं अभी एटा जिले के लाड़मपुर कटारा गांव में है और यहां पर ये ख्याति आलू है। आप वीडियो में देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आलू, ख्याति आलू निकल रहा है। और इधर हमारे किसान भाई आलू की छटाई कर रहे हैं, जो कि ग्रीडिंग बोलते हैं। अभी हम इनसे आलू के बारे में पूछेंगे, ये आलू ये स्टोर में रखेंगे या फिर अभी बिक्री करेंगे, और इस साल आलू की पैदावार कैसी है, कम निकल रही है इस क्षेत्र में या ज़्यादा निकल रही है, और कितने परसेंट आलू की खुदाई हो गई है, और भी आलू से संबंधित क्या रेट आलू बिक रहा है, समस्त जानकारी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। ये जो अभी इस जगह पे हैं, ये कौन से ज़िले में पड़ता है और किस गांव का है, ये उसके बारे में जानकारी बता दीजिए आप। ये लाड़मपुर कटारा में पड़ रहा है और जिला एटा है। एटा जिले लाड़मपुर कटारा में जी। ये जो हम अभी वीडियो में दिखा रहे हैं जी, ये कौन सा आलू है? ये ख्याति है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आलू लग रहा है, ख्याति आलू है जी। आपका क्या नाम है? कुमरपाल। तो ये कुमरपाल जी, ये कौन सा आलू था आपका? ये ख्याति था। ख्याति आलू है जी। इस ख्याति आलू को ये हम वीडियो में दिखा रहे हैं, इसको लगाने में कितनी लागत लग जाती है? इसमें करीब करीब मान लो 12-13 हज़ार रुपये बीघे लागत लगती है। 13 हज़ार रुपये बीघे की जी। और ये आलू अभी कितने कट्टे बीघे का निकल रहा है? ये अभी तो 40 कट्टे का निकल रहा है। 40 कट्टे बीघे का जी। इस साल आपने पिछली साल इसमें खेत में आलू ही लगाया था जी। तो पिछली साल कैसा निकला था आलू? पिछली साल 70 का आसपास निकला था। 70 कट्टे बीघे का निकला था जी। ये आपका हम दिखा रहे हैं वीडियो में, बड़ा खेत है जी। और कितना कितने बीघे का आपका खेत है? ये है 12 बीघे का खेत है। 12 बीघे खेत जी। तो पिछली साल भी कौन सा आलू पिछली साल आपने लगाया था? पिछली साल ख्याति था ये। पिछली साल भी ख्याति था, इस साल भी ख्याति है। इस साल पैदावार लगभग आपके खेत में 40% कम है। 40% कम है। 70 का निकल रहा था और वो निकल रहा आया इस बार 40 का बीघे का। इस आलू में लगाने में लागत कितनी लग जाती है? 13 हज़ार रुपये बीघे लगी है मेरी लागत। 13 हज़ार रुपये बीघे की लागत लग जाती है। और अभी आलू के रेट क्या चल रहे हैं? रेट आज तो पोजीशन जाके थोड़ी डाउन है। 621 रुपये मेरा यहाँ मांगा पैकेट। 621 रुपये पैकेट जी। एक पैकेट में वजन कितना होता है? वजन होता है देखो ऐसा है, कोल्ड में अगर जाए तो भाई लमसम 49 या 50, और अगर व्यापारी ले जाता है वो 55 के लेगा। व्यापारी 55 किलो ले जाते हैं और कोल्ड में 49-50। 52 किलो बताया जाता है, जैसे स्टोर में तौल के बाद में होती है तो 52 किलो तौल के रुपए मिला करते हैं। और 52 किलो के रेट लगभग 55 किलो की बिक्री 621 रुपए पैकेट की है। हाँ हाँ। ये जो अभी रेट चल रहे हैं, ये आज हाई की तरफ है या डाउन की तरफ है? यानी पहले से 50 रुपए मध्य है। 700 रुपए मेरे दाऊ खेत यहीं था, उनका बिका था 700 रुपए। कौन सा आलू था? ख्याति था। ख्याति था। कब बिका था 700 रुपए? जो पानी बरसात से पहले। और मंडियों में तो हम डेली रिपोर्ट लेते हैं, मंडियों में तो पहले से आज कुछ रेट अच्छे हैं। कहीं कहीं हर मंडी में कोई रेट सही है। कानपुर मंडी में भी हमने सुबह कॉल किया था, बात की थी, कानपुर में 1300-1400 रुपए क्विंटल आलू चल रहा है आज। न्यू हॉलैंड होगा वो तो नहीं, ये ख्याति और पुखराज आलू है। न्यू हॉलैंड 1500-1600 रुपये क्विंटल है। यहाँ पर 621 रुपये खेतों में बिक्री चल रही है। बिक्री चल रही है। और इस साल स्टोर की आपके क्षेत्र में क्या कैसी स्थिति है, स्टोर के बारे में जानकारी दो आप। तो ऐसा है, काश्तकार की अपनी मूड मर्जी है, कोई जैसे किसी की इच्छा है हम कोल्ड में अपने सब आलू डलें, तो कोई तो अपना कोल्ड में डालता है और कोई अपने बेचते हैं, लेकिन जहाँ है आधे आधे के तो है। आधे बिक्री में जाता है, आधा कोल्ड। और इस साल आपके क्षेत्र में स्टोर में आलू पिछली साल से ज्यादा रखा जा रहा है या कम रखा जा रहा है? ज्यादा रखो जा रहा ज्यादा रखो जा रहा। कितने जैसे पिछली साल आपने कितना रखा था आलू? मेरे करीब थे 450 पैकेट। 450 पैकेट। इस साल कितने रखोगे? इस साल तो मान लो 450 तक कम तो नहीं रखे, ऊपर चाहे कितने हुई हैं। जैसे आप लोग तो ज़्यादा रखोगे इस साल, तो आपने कच्ची सीजन आलू कितना खोदा था? 10 बीघा। 10 बीघा खुदाई कर दी। वो क्या रेट बिका था? वो बिका था 325। जैसे कई चैनल वाले बता रहे हैं कि स्टोर फुल नहीं हो पाएंगे, जैसे मीडिया वाले आप भी जानकारी लेते होंगे, तो आपके क्षेत्र में स्टोर फुल होने की या ना होने की क्या कैसी संभावना है? तो ऐसा है, मेरे यहाँ तो मान लो 4 दिन बाद जो कोल्ड स्टोर मेरे यहाँ बने हैं वो तो लेंगे नहीं, मना कर देंगे भाई मेरा कोल्ड स्टोर फुल हो गया।
ये कौन सा स्टोर है, क्या नाम है इसका? इसका नाम तो शायद देश विद्या, देश विद्या नाम है, देश विद्या, देश विद्या। हाँ ये आपके सरायगंज के पास अलीगंज तहसील में पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। ये स्टोर जैसे जिन्होंने बारदाना अपना दिया है हाँ हाँ उनका रखेंगे हाँ। और बारदाना जिसका, यानी मान लो हम बारदाना ले आए हैं तो हमारा रखा जाएगा और किसी का नहीं रखा जाएगा। यानी कि अभी कितने परसेंट कितना पहुंच गया होगा आलू स्टोर हमारा, क्या बता रहे हैं उसके बारे में आप बताइए। तो ऐसा है, स्टोर वाले ये कह रहे थे उस दिन हमारे ट्राई ले गए तो उन्होंने कही भाई अपने आलू जल्दी ले आओ जल्दी, हाँ उसके बाद नहीं तो फिर हम ये लेना बंद कर देंगे। तो आपके क्षेत्र में जो स्टोर है वो फुल हो जाएंगे इस साल? हाँ। नए स्टोर ये दो बने हैं? हाँ हाँ, एक चौहान साहब को एक विधायक जी को। दो स्टोर नए बने हैं और स्टोर ये फुल हो जाएंगे। और जैसे पैदावार भी कम है, 20-25% अगर ऑल ओवर बात की जाए तो पैदावार कम है, स्टोर भी फुल हो जाएंगे, तो इस साल मंडी में किसानों ने कम बेचने का रुझान है? हाँ, जब महंगाई के हिसाब से जाए परेशान से जाए ना, महंगो है भाई हमारे काश्तकार जा कोल्ड में ज़्यादा अपनों को कर रहे हो गुन्नी कोल्ड में जाएगा ज़्यादा महंगो बिके। स्टोर में जैसे किसानों को इस साल उम्मीद है कि फायदा रहेगी या नुकसान रहेगा क्या? अब वो तो आगे लेकिन अपनी उम्मीद किसान लड़ रहे हैं। और आप हमारे चैनल जो इंडिया पोटैटो हिंदी के माध्यम से किसानों को कोई संदेश देना चाहते हो? संदेश क्या देना चाहते, यही कह रहे हैं कि भाई साहब जो आलू अपने अच्छे अच्छे करो और अच्छी अच्छी पैदावार हो इसमें। और अगर आलू की बात की जाए आपके क्षेत्र में कौन कौन सी वैरायटी का आलू ज़्यादातर होता है? हमारे यहाँ सिर्फ मोहन कुपरी ख्याति ज़्यादातर यही होता है। और ये न्यू ऑलैंड ये बहुत कम 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 होते हैं, बहुत कम, सबसे ज़्यादा ख्याति और वो उसका मोहन कुपरी। जैसे पिछली साल से साल कुछ जल्दी लग रहा है खुदाई खत्म हो जाएगी, जल्दी है। पिछली साल हमने देखा था और कई जगह भी गए भी थे तो खुदाई होली के बाद भी चलती रहती थी, इस साल होली तक समाप्त हो जाएगी क्लियर। और जैसे आपका तो अभी यहाँ पर आलू खुदाई के लिए बचा है, मुझे बहुत अभी हम आ रहे थे बहुत कम जगह आलू मिल रहा है, जैसे अपने गांव में भी और भी जगह जाते थे बहुत कम देखने को मिल रहा था, तो कितने दिन में खुदाई समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल आलू खत्म हो जाएगा? मान लो ज्यादा से ज्यादा टाइम लगेगा तो 10 दिन तक मेरे यहाँ तक समाप्त हो जाएगी। 10 दिन में समाप्त हो जाएगा क्यों? कोल्ड भरने वाले हैं भाई साहब। और आपके क्षेत्र में डंप वगैरह क्या कैसी स्थिति? डंप नहीं है, बहुत कम, कोई किसी ने लगा लिया एक आध और कोई डंप नहीं लगा था मेरे यहाँ। आज ये आलू ख्याति 621 रुपये कट्टे में लाड़मपुर कटारा जिला एटा में इसकी बिक्री हुई है और ये किसान आदमी खुदाई कर रहे हैं आलू की। और इसी प्रकार की आलू संबंधित वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल इंडिया पोटैटो हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, और पूरे भारत की आलू की रेट जानने के लिए हमारा ऑल इंडिया पोटैटो मार्केट रेट ऐप को डाउनलोड कीजिए। और आप किस जगह से वीडियो को देख रहे हैं और आपके यहाँ पर क्या रेट चल रहा है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।